हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडियन प्लम्बिंग सर्विस में। तो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ SWR पाइप्स एंड UPVC एंड CPVC पाइप फिटिंग के बारे में। दोस्तों, प्लम्बिंग का काम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप हमारे नए प्लम्बर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपका प्लम्बर के काम में मन नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए ये प्लम्बर का काम का हर नॉलेज वाला होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं कॉन्सील सिस्टम, वो लगाने का कौन सा तरीका होता है, मैं आपको इस वीडियो में आपको दो तीन ऐसा काम है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों, काम करने से पहले हड़बड़ाना नहीं है। जैसे आदमी जो पहले काम करने से पहले धड़फड़ाने लगते हैं, वैसा मत करिए आप लोग या कोई भी हमारे प्लम्बर भाई हैं, सब वैसे नहीं हैं। कभी भी काम को एकदम ठंडे माइंड से काम करिए। और काम करने से पहले जो सबका हाइट होता है दोस्तों, पानी का प्रेशर भी देखना पड़ता है कि कितना इंच का पाइप लगाने से हमारा पानी का प्रेशर अच्छा रहेगा। बहुत सारे प्लम्बर भाई का ये भी देखे हैं कि आप 90 डिग्री से काम करते हैं, ऐसा नहीं आप लोग करिए ताकि आपका काम गड़बड़ा जाए और अच्छा ना रहे, लोग आपके काम को ख़राब साबित कर दे। वैसा नहीं है, आज का काम अगर ना हो पाए तो आप कल भी कर सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, हड़बड़ाने का काम शैतान का काम होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। प्लम्बिंग का काम करते समय वॉशरूम हो या किचन हो या बेसिन का हॉट एंड कोल्ड वाटर का जो भी कनेक्शन दे रहा हो, सबसे पहले आप उसका फाइनल फ्लोर का मेज़रमेंट ले लें, या आप टाइल्स वाले को बुला ले या राजमिस्त्री वाले को बुला ले जो आपको फाइनल फ्लोर दे देगा। तो दोस्तों, कॉन्सील सिस्टम का सोयल वाटर का कनेक्शन मैक्सिमम फाइनल फ्लोर से 8.5 इंच से लेके आप 10 इंच के बीच रख सकते हैं, वो आपका स्टैंडर्ड हाइट है। अगर उससे भी अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि बाद में दिक्कत हो, तो नॉर्मल कमोड जो होता है 4000-5000 के रेंज वाला में, वो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप उससे पहले कि आप कमोड मंगा ले, फिर उसका हाइट और साइज सब आपको पता चल जाएगा। और कॉन्सील सिस्टम का जो आपका टॉप लेवल जो होता है सोयल वाटर का जो मेन होता है, वहाँ से आप मेज़रमेंट करके 5.5 इंच तक आप रख सकते हो। वाल मिक्सर का भी दोस्तों अच्छा से मैं ड्राइंग में आपको अच्छा से समझा देंगे कि वाल मिक्सर का जो हाइट और डिस्टेंस कितना होता है, मैं आपको 6 इंच का भी होता है, 7 इंच का भी होता है, मैं आपको ओवरहेड शावर एंड हॉट एंड कोल्ड का तीनों का मेज़रमेंट करके अच्छा से बताएंगे कि कैसे होता है। ड्राइंग में मैं आपको अच्छा से समझा देंगे। पानी का प्रेशर कम क्यों आता है, क्लाइंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं आपको हर प्लम्बर के काम के बारे में जानकारी दे सकूँ।